आपको और आपका फैमिली को BSF की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद। जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आप सभी देशवासियों को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। BSF की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में फिर से कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। सभी भारतवासी को जय हिंद। और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी भारतवासी को 2022 का हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। 2022 सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। जय हिंद। सारे मुल्क के लोकन BSF की तरफ तुम तो तुहन परिवार नए वरी जो मुबारकबाद। जय हिंद। सभी देशवासियों को एक बार फिर से जय हिंद। हम सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर में दुश्मन से और मौसम से दोनों से लड़ रहे हैं। आपको भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ना होगा। एक खास मैसेज उन लोगों के लिए जो आज अपने परिवारों के साथ नव वर्ष मना रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं GN भारत। नव वर्ष पर सैलानी उमड़े, पर्यटक स्थलों में, मंदिरों में पूजा अर्चना कर की पहले दिन की शुरुआत। नव वर्ष 2022 की शुरुआत झारखंड के विभिन्न पिकनिक स्पॉट स्थलों में सैलानी पहुंचे और नव वर्ष का आगाज किया। झारखंड के नेतरहाट हो या पतरातू डैम, राजधानी रांची स्थित हटिया डैम से लेकर तमाम बड़े पार्कों में सैलानियों की भीड़ दिन भर देखी गई। सैलानी झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न पर्यटक स्थल पर पहुंचकर नव वर्ष मनाया, DJ की धुन पर नाच गान के साथ नया साल को एंजॉय किया। वहीं झारखंड वासियों ने विभिन्न देवी मंदिरों, पूजा स्थलों में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना के साथ नए साल के प्रथम दिन की शुरुआत की। रांची के मेन रोड स्थित बजरंगबली मंदिर में पूजा अर्चना कर नववर्ष मनाने की भीड़ देखी गई। वहीं चर्च रोड स्थित काली मंदिर में नए साल में अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मंदिर पहुंचकर लोगों ने मत्था टेकते हुए भगवान से दुआएं मांगी। श्रद्धालुओं ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने और अपने परिवार के जीवन के सुख समृद्धि की कामना की। इसी तरह झारखंड के विभिन्न दर्शनीय व पर्यटक स्थलों में भीड़ देखी गई। लोगों ने मौज मस्ती के साथ वर्ष 2022 की शुरुआत की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे GN भारत के साथ। धन्यवाद।